हेलो फ्रेंड, जय माता दी। और हम जा रहे हैं बाजार, मैं और नीतू जा रहे हैं, तो चलते हैं बाजार जाएंगे आज। और काव्या नहीं जा रही, हम ही जाएंगे, मैं और नीतू जा रहे हैं। काव्या चीज ले लेगी फिर? देखो काव्या जा रही है आगे आगे, चीज ले, इसको चीज दिलाऊंगी, ये चीज खाएगी तो इसको दिला देते हैं चीज। और ये रहती है वहां पर, घर पर रहेगी ये आज। और मैं और नीतू जा रहे हैं, और दिखा रही थी मैं, हमारे पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है मार्केट। और मैं दिखा रही थी कि यहीं आसपास लगती है सब्जी वाली मार्केट, और मैं बहुत दिनों में गई हूँ और मैं नहीं निकल पाती। और दिखा रही थी मैं सब्जी, और पूरी मार्केट तो मैंने दिखाई नहीं आपको, ये सब्जी की ही लगती है और अंदर कपड़े वकड़े की लगती है। और आजकल देखो प्याज कितनी मिल रही थी, 10 रुपए किलो, और बहुत सस्ती मिल गई थी, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। और इधर देखो ये मिर्च वगैरह बिक रहा है बच्चा, मैं दिखाती जा रही थी। अभी अंदर है तो मैं डर की वजह से मोबाइल ज़्यादा वो नहीं कर रही थी। और देखो बलून्स वगैरह भी बिक रहे हैं, और दिखा रही थी अंदर की तरफ भी चली गई थी थोड़ी सी हिम्मत करके, और मैं बोल भी रही थी, फिर मैंने म्यूट कर दी क्योंकि आवाज़ आ रही थी ज़्यादा। तो फिर और नीतू मुझे मिली नहीं, एक जगह हम ले रहे थे तो हम बिछड़ गए थे। तो फिर मैंने देखा कि कहाँ पर है, देखूं, और मैं आगे भी देख आई थी, फिर मिल गई थी मुझे बाद में। कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने वीडियो के चक्कर में लगी रही और वो सब्जी ले रही थी, तो थोड़ा इधर उधर भटक जाते हैं, और फिर मिल गई थी। तो फिर मैं कि लाओ ले लेती हूँ, वैसे सब्जियाँ तो पड़ी हुई थी, लेकिन अदरक हरी मिर्च वगैरह लेनी थी मुझे, तो आज मार्केट हम चले ही गए थे, नहीं वैसे तो नहीं जा पाते। तो मार्केट हमारे पास में है, लेकिन खाने वाने का टाइम हो जाता है इतने टाइम, तो आज मुझे टाइम मिल गया था, तो फिर मैंने सोचा चल बाजार ही। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। और आज है ट्यूसडे, और कल हम गए थे सब्जी लेने, तो सब्जी का हमने कैप्चर किया थोड़ा सा, और अब बना रहे हैं हम नाश्ता। और सुबह का एक बार हो गया है नाश्ता, तो अब दलिया बनाया है मैंने नाश्ते में, और बना दूंगी सैंडविच। और मेरे हस्बैंड गए हुए हैं, तो सैंडविच अब निशु के लिए बना देती हूँ सैंडविच थोड़े से। और सब्जी थी गोभी आलू की, उसी से बनाए हैं मैंने, और सब्जी बच जाती है उससे भी अच्छी लगते हैं, जैसे विंटर में तो अच्छे लगते हैं सब्जियां वगैरह बच जाती हैं, तो उनके ही सैंडविच बना देते हैं हम, और टेस्टी भी लगते हैं, और बची हुई सब्जी भी यूज हो जाती है, और कर लेते हैं। और चाय बननी रखी थी थोड़ी सी, और दूध डाल के और बना देती हूँ। और निशु ले रही हैं पानी, तो मैं गिलाओ थोड़ी सी क्लिप ले लेती हूँ तुम्हारी, और दिखा रही थी मैं, तो अपना पानी वानी पी रही हैं, फिर उसके बाद ये जाना है इन्हें, ये भी DL Ed कर रही हैं, तो मैंने सैंडविच दे दिए थे बना के, और दलिया भी बनाया था। और मैं कह रही हूँ मेहंदी लगाई थी मैंने, तो मेहंदी लगानी थी मुझे, लेकिन मैंने नहीं लगाई ठंड की वजह से, और इस लड़के ने जैसे आवाज़ आ रही होगी कहीं, तो आज इसी ने वीडियो एडिट करी है, तो इसने म्यूट कर दी सारी आवाज़, और मैं अगर करती तो नहीं करती मैं म्यूट। और इसने दलिया मैं दे रही थी उनको, नीशू को, और बना रही थी चाय, और चाय में डालूंगी मैं थोड़ी सी शक्कर, तो शक्कर की चाय अच्छी लगती है और बढ़िया लगती है। और मेरे पे अभी वीडियो की एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं आती, और मेरा बच्चा ही करता है, जैसे इतनी अच्छी नहीं है आती जैसे होती है। और बना रही थी मैं, आलू बॉईल करने रख दिए थे मुझे आज, मुझे बनाने हैं आलू के पराठे, और बथुआ भी बॉईल करने रखूंगी क्योंकि आटे में गूंदना है मुझे बथुआ, वैसे नहीं बनाऊंगी, लेकिन भर के नहीं बनाऊंगी बथुआ, और संगे संग साफ करती जाऊंगी। और फिर पी ली है मैंने चाय, और आज डस्टिंग वगैरह तो सब हो गई है, सिर्फ झाड़ू लगा कर पोछा लगाना है मुझे, और सारा काम ऐसे हो गया है। और दलिया मैं पूछ रही थी क्योंकि मैं चीनी कम डालती हूँ कि ये कम खाते हैं, तो फिर मैं चीनी भी कम डालती हूँ, तो पूछ रही थी चीनी वगैरह कैसी है नीशू, तो कह रही थी ठीक है। और फिर मैं लगाने लगी थी झाड़ू, वो चली गई थी मुस्कान निशु, तो 9:30 बजे के करीब, 9:30 नहीं, 9:15 के का टाइम होगा जब मैं झाड़ू वगैरह
कर रही हूँ क्योंकि डस्टिंग तो मैंने कर ली थी, तो बस यही झाड़ू झाड़ू रह गई थी, पोछा ही लगाना था मुझे। फिर भी कितना भी करो टाइम हो ही जाता है, फिर भी 11 बज गए थे मुझे काम करते करते। फिर खाने का भी करना होता है नहाने के बाद में, तो फिर मैंने सोचा डस्टिंग वगैरह हो जाए तो अच्छी रहती है और साफ़ सफाई हो जाए, तो फिर पूजा करने में सब चीज़ में मन लगता है अगर क्लीनिंग हो जाए तो। फिर नहीं तो लगा रहता है कि अभी हमें साफ़ सफाई करनी है, ये करना है, वो करना है। और मैं देखो हमारा जो जूते का स्टैंड है उस पर बहुत सारे जूते चप्पल हो जाते हैं, तो मैंने अब गर्मियों में चप्पल तो कोई नहीं पहनता वैसी वाली चमड़े वाली, इनकी हैं कई जोड़ी, तो फिर मैं वो भर भर के रख रही थी। अब इन्हें अलग रख दूंगी तो जगह हो जाएगी उस स्टैंड में, नहीं तो बहुत हौच पौच हो रहा है वो बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने हटा दिया था। और बहुत ही ज़्यादा अगर हौच पौच हो जाती हैं कई चीज़ें तो बुरी लगती हैं। और लगा दूंगी बाहर झाड़ू। फिर अब मैं धोती भी नहीं हूँ चौक को क्योंकि ठंड है, तो मैं झाड़ू ही लगाती हूँ, झाड़ू और पोछा लगा देती हूँ हाथ से। और आलू हो गए बॉयल और दीदी आ गई थी, तो मैं कुछ बात कर रही थी उनसे, वो कह रही थी चाय मत बनाओ भाभी, बीच में आ गई मैं, लेकिन कोई बात नहीं जब आ जाते हैं तो चाय वगैरह तो चलती है। और मैं गई, मैंने जरा सी देर में बना दूंगी, सिर्फ आलू छील लूँ मैं, जब तक आलू पराठे की तैयारी कर रही थी तो फिर मैंने बना लिया था। और आज ठंड बहुत है सच्ची, और आज मैं डबिंग कर रही हूँ तो मैं दोपहर में लेट गई थी थोड़ी देर के लिए, तो मेरे पैर ठंडे ही रहे हैं। और आज कोहरा भी बहुत ज़्यादा था तो मैं बता नहीं सकती, बहुत ठंड थी आज तो, और अब भी लग रही है डबिंग कर रहे हैं तो। और मैं बात करती जा रही थी तो फिर मैंने कहा चलो बना लेते हैं आलू, अब आलू नहीं बना, आलू के पराठे नहीं, पहले तो सैंडविच बनाऊंगी। ये लड़की आ गई है काव्या, अब चाहिए इसको सैंडविच, मम्मा सैंडविच, और खुश हो गई, ज़्यादा से सैंडविच दे दिए मैंने तो। मम्मा कह रही मम्मा इतने सारे सैंडविच मैंने आज, तू पेट भर के खा ले। और बच्चों को सैंडविच पता नहीं क्यों इतने अच्छे लगते हैं, ऐसी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, कोई महंगी मांगता है। और मैं दीदी से भी बात करती जा रही हूँ, तो कोई आ जाता है तो फिर बात भी करते जाते हैं और काम भी करते जाते हैं। और हमारी रसोई बिल्कुल सामने है तो हम बात भी करते जाते हैं और काम भी करते जाते हैं, हमारा ये फ़ायदा है हमारा। अगर ड्राइंग रूम के सामने ही है रसोई तो कोई आ जाता है तो बात भी कर लेते हैं। और वो चली गई थी और उन्होंने कहा था सैंडविच वगैरह खा लो, लेकिन उन्होंने नहीं खाई थी, सिर्फ चाय पी थी। और वो काव्या को दे देती हूँ। और जब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे फिर उन्होंने सैंडविच तो सुबह ही खाए थे, सुबह भी बने थे हमारे, वो सब्जी के बने थे, ये आलू की पिट्ठी के बने हैं। और अब दे आऊँगी इसको, देखो बैठी है, और मैंने कहा तू खा ले, तो अब देखो कहेगी इतने सारे मम्मा, अब देखो मुँह फाड़ रही है इतने सारे। अब बच्चों को पसंद है तो फिर मैं दे आई थी उसको सैंडविच, फिर उसने खाना नहीं खाया था, ये भी आ गए थे तो फिर इनको भी चाय दे दी थी मैंने। और ऐसे ही चलता है हमारा सुबह से रूटीन। और फिर हम बनाएंगे अब थोड़ी देर बाद, फिर मैंने भी सोचा चलो सॉक्स पहन लेती हूँ, और बहुत देर से मैं बगैर सॉक्स के हूँ और सॉक्स के बगैर मेरा नहीं चलता, आपने देखा होगा। और फिर मैंने भी सैंडविच बना लिए थे और छोटे छोटे ब्रेड थे तो फिर दो बना लिए थे मैंने। फिर मैंने खाना नहीं खाया दोपहर में, और इन्हीं सैंडविचों से बहुत काम चल गया था, पेट भर गया था मेरा। और मैंने बनाए थे आलू के पराठे, है दोपहर का टाइम तो बना लेते हैं आलू के पराठे बनेंगे। और अभी मैंने रील बनाई थी छोटी सी, तो आलू के पराठे बना लेंगे। और मैंने आंवला को एक भाप लगा दी थोड़ी सी, एक सीटी लगाई है इसमें, तो आंवला फ्राई करूंगी और अचार बनाऊंगी आंवले का। और बनाएंगे आलू के पराठे, और बना लिया है बथुए का रायता, और बना लेते हैं दोपहर का खाना, 1:10 हो रहे हैं शायद। और फिर मैं बनाने लगी थी, और मैं क्या बना रही हूँ, आंवले का अचार या आंवले छुके हुए बना रही हूँ। मैंने हींग जीरा सब कुछ डाला है इसमें, हल्दी डाली है और सौंफ डालूंगी इसमें, और पहले फ्राई कर लूँगी। अब मैंने पहले मिर्च नहीं डाली क्योंकि धसका सा हो जाता है और सारे में भस-भस्सी हो जाती है, और नमक डाल दिया है और लाल मिर्च डाल देंगे, और सौंफ डालूंगी इसमें मैं, सौंफ मेरी पिसी रखी हुई है तो ये अचार की तरह बना दूंगी, और ये रखा रहेगा और ख़राब नहीं होता। इस तरीके से बनाओ और रख दो आप
तो 7-8 दिन आराम से चल जाता है और बहुत अच्छे तरीके से। और मैंने एक भाप लगा दी थी इसको, और फिर गुठलियाँ निकाल के बस इन्हें सब्जी की तरह फ्राई कर लिया था मैंने, और सौंफ डाली थी। प्रोसीजर वही है सारा, और मैं दिखा रही थी अचार, और बहुत टेस्टी बना था। अब इसको मैं डब्बे में भर के रखूँगी, और रायता है, अचार है आमले का, और पराठा है, और दे आती हूँ इनको तो ये भी खा लेंगे। और आलू का जैसे, और दोपहर का खाना वाना हो गया है मेरा, और बनाए थे बथुआ के परांठे, आलू जैसे आटे में गूंद के, और बच गए हैं 2, 2 बजने वाले हैं। अब फ्री हुई हूँ मैं, और देखती हूँ अभी मुझे नींद सी आ रही है, मैं सोच रही हूँ प्रेस करूँ, प्रेस भी करनी है मुझे अभी। और सुबह से काम चल रहा है बस, और आमले का अचार डाला है। आमले का अचार मैंने टेस्ट किया था, बहुत अच्छा बना है। बाजार गए थे तो ले आई, और बहुत दिन से मैं बाजार भी नहीं जा पा रही थी, मैंने सोचा चलो लेके आती हूँ। आमले का अचार फायदा भी करता है। और मैं वीडियो का एंड करूँगी, जय माता दी। और मैंने खाना अभी नहीं खाया, क्योंकि मैंने सैंडविच खा लिए 2, तो फिर मेरा मन भी नहीं करा, क्योंकि अब इतने छोटे दिन होते हैं तो थोड़ा भी कुछ खा लो फिर मन नहीं करता, और मैंने नहीं खाया खाना। तो चलते हैं, हमने थोड़ी देर लेटूंगी, आराम करूंगी, और मेरी आंखें हो रही हैं लाल, आप देख रहे होगे, और हो जाता है कई बार नींद सी आ रही है। और मैं वीडियो का एंड करूंगी, जय माता दी।